नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम उनको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 6.25 की पावर 1/2 और 0.0144 की पावर 1/2 और इसकी पावर 1/3, 1/4। अगर कोई पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब होता है वो रूट में लिखी हुई है, यानी कि अंडर रूट की पावर होती है आधी। ये जो वैल्यू लिखी है मान के, इसलिए वो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है इस प्रकार से 6.25 इंटू। ऐसी ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो भी अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट की जो पावर होती है वो हाफ होती है। तो ये इसको भी लिख लीजिए आप इस प्रकार से। ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है इस प्रकार से, ये 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसकी जो पावर होती है वो ऐसी होती है, और अंडर रूट यानी कि 2 की पावर होती है वो ये होती है, ये 1/2 होता है और इसको 1/3 बोलते हैं पावर में। इसको भी आप क्यूब रूट में लिख लीजिए 0.027, ठीक है, ये क्यूब रूट है, जबकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट पर दो लिखते नहीं है, बस ऐसी पहचान होती है इसकी, और क्यूब रूट पर 3 लिखा होता है। और ये लिखा हुआ है इसकी पावर 1/4, यानी कि 81 में ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 बार आई होंगी। तो इसको तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये रूट में नहीं लिखी जाती है, इसका मतलब सीधे हो गया 3, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, इसका जो मीन्स होगा वो होता है 81, ठीक है। इसलिए इस पर पावर छोड़ी है 1/4, 1/4 का मतलब होता है कि इसके जो पार्ट होगा वो 3 हुआ होगा, ठीक है। 1/4 का मतलब है इसका पार्ट खोल लोगे तो 1/4 का, तो ये 3 हो जाएगा सीधे। आप इसका रूट जानते ही हैं कितना होता है, मान के चलिए आपका पॉइंट नहीं होता तो 625 का जो रूट होता है अंडर रूट वो होता है 25। यहाँ पर पॉइंट लग रहा है दो अंकों के बाद, तो यहाँ पे आप 1 के बाद लगा लीजिए, क्योंकि 2.25 का इंटू 0.25 में करेंगे तो 6.25 ही आता है। ऐसे इसका खोलेंगे आप तो ये 144, यानी कि 144 है, वो 12 का क्यू, 12 का अंडर रूट होता है, तो ये 0.12 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या 3 वाली लिखी हुई है इस प्रकार से, 3 × 0.3 × 0.3, 3 × 3 9 8 27, पॉइंट कितने लग रहा है 1, 2, 3, यानी 1, 2, तो 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया, यानी 0.27, यानी यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप इसको 0.3, ठीक है, इंटू 3 यहाँ पे है ही, सॉरी प्लस 1 रहेगा यहाँ पे लिखना, ठीक है। देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंटू करते हैं, तो आप इसमें इसका इंटू कर दीजिए, तो 12×5=60, 0 कैरी 6 कैरी, और 12×2=24×6=30, यानी कि पॉइंट देखिए कितने अंकों के बाद लग रहा है, 1, 2 और 3, इन दोनों का इंटू कराया, तो जितने अंक होते हैं जितने बाद पॉइंट लगता है उसी संख्या को लिखते हैं, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ अपॉन इस प्लस 1, और नीचे इसमें इसका इंटू हो रहा है तो 3×3 9, तो ये कितना हो जाएगा 9, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.3, पीछे 0 कोई मानने नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पे 0.9 है और यहाँ 1.3 है, ऊपर 10 का बड़ा कर दिए नीचे 10 का बड़ा कर दीजिए पॉइंट हटाने के लिए, तो अभी यह डायरेक्ट हटा दीजिए, ऐसे हट जाएगा, तो ये 13/9 हो गया। 9 का आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 का देंगे तो 1 पॉइंट, इसमें इसका देंगे कितना आएगा 4, 4, यानी कि ऐसे रिपीटिंग वर्ड आएंगे, तो इस रिपीटिंग वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है 1.4, यानी ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर अपॉन 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.8 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा, ऐसे इसका खोलेंगे तो फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट कर ले रहे हैं। मान के चलिए जी आपकी कोई वैल्यू ए है और 5.4 वैल्यू आप मान लीजिए कोई बी है, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो एक बार मैं इसको घटा दूं यानी कि लेस कर दूं, और दूसरी बार मैं इसको क्या करूं वैल्यू को ऐड कर दूं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6.4 माइनस 5.4
और एक बार लिख लीजिए 6.4 प्लस 5.4, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट कर लिया अपॉन, नीचे देखिए ये मान के चलिए आपकी कोई वैल्यू ए है, ये मान लीजिए आप बी है, तो ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू यही लिखी हुई है, यानी कि ये 2 इंटू ए से इसका इंटू हो रहा है या बी से, और ये ए है वैल्यू, इसमें इंटू डायरेक्ट कर दिया उन्होंने इसलिए ऐसे लिख दिया है। इसको आप पुट करेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए मैं इसको आपको साइड से खोल के दिखा देता हूँ। मान के चलिए 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर में खोलना है, तो ये ए मान लीजिए, इस वैल्यू का बी मान लीजिए, खोलते कैसे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है वो 8.9 है, यानी कि इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस बी की 2 इंटू ए की वैल्यू है 8.9, बी की वैल्यू है 1.1, प्लस वी की जो स्क्वायर है 1.1 का होल स्क्वायर। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इस 2 का इंटू इसमें कर दिया है, तो देखो 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू इसका इसमें करोगे तो 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप ये वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है बिल्कुल, यानी कि ये इसके समान है। तो आप समझ सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये खोलेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। तो 6.4 में से 5.4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.0 इंटू 6.4 में 5.4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11.8 अपॉन, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए इसका, इसमें इंटू करेंगे तो 11.8 ही आएगा, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा नीचे 100। आप 100 का इसमें डिवाइड लेंगे तो ये जो पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ से हट जाएगा ये, या आप इसका इसमें डिवाइड देके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। एक काम कीजिए, ये कितने अंक हैं 2, 1, 2, तो यहाँ से 1, 2 गिन लीजिए, 1, 2 पॉइंट के बाद, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाए इसका, ये कितना हो जाएगा पॉइंट 118, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, वैसे ये परसेंटेज का सवाल है लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी ये आता है। देखिए 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है जो 1 डे यानी कि एक दिन, यानी 1 डे बराबर कितना होता है 24 आवर होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 2 को आप ऊपर लिखिए, जहाँ से निकालना है यानी कि 24 घंटे से निकालना है आपको, तो 24 को आप नीचे लिखे 24 को, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दीजिए, इसमें इसका डिवाइड दीजिए 12, इन दोनों को काट लीजिए 4 से, ये कट गया 25 और ये कट गया 3, तो आपका जो आंसर आएगा 25/3, ये हो जाएगा आपका आंसर 25/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 + √3 + √3 + √3 + √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √3 - √
वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो इनको पहले हम एक सा बना लेते हैं। ये 3 + √3 लिख रहा है, तो इसको हम 3 - √3 कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर √2 करेंगे, यानी कि एलसीएम लोगे आप तो √3 आएगा एलसीएम। इसका सीधे गुणा हो जाएगा ऊपर वाली संख्या का प्लस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 और ऊपर वाली संख्या का इंटू करते हैं, यानी कि मल्टीपल प्लस 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 1/ ये कितना हो जाएगा 3 + √3। आप ये कीजिए, यहाँ से माइनस सिंबल कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा, आपका ये वाला सिंबल माइनस का हो जाएगा, तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। यानी कि जो माइनस की थी प्लस की हो गई, प्लस की है वो माइनस की हो गई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसका एलसीएम लेने में हमको आसानी होगी। देखिए √3 है यहाँ पे नीचे, √3 हम कभी नीचे छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करें ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं अपनी तरफ से √3 का।
प्लस वन। आप क्या कीजिए, अपनी तरफ से एंड रूट तीन का ऊपर बड़ा करा लीजिए इस वाली संख्या में, और नीचे भी करा लीजिए। अंडर रूट तीन से अंडर रूट काट दोगे तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने अपनी तरफ से इंटू करा लिया, क्योंकि ये अंडर रूट तीन का इंटू अंडर रूट तीन में कराएंगे तो ये थ्री हो जाएगा। प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एक बार ये प्लस वाला आ जाएगा और एक बार माइनस वाला आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये संख्या कट जाएगी इससे, तो ये बचेगी, तो आप इसको उतार दीजिए, थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस का सिंबल है। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये दोनों कट जाएंगी, तो सिर्फ ये बचेगी थ्री प्लस रूट थ्री, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल लग रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट तीन का अंडर रूट तीन इंटू करेंगे यानी कि मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है वो हाफ होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अंडर रूट थ्री का मतलब होता है वन बाई टू इंटू अंडर रूट थ्री का मतलब होता है वन बाई टू, ये अंडर रूट थ्री लिखा हुआ है, यानी कि अगर आधार समान है तो जो इंटू में यानी मल्टीपल में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। कैसे, इस तरीके से समझ लीजिए आप, वन अपॉन टू, आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, टू टू बटे टू, यानी कितना हो जाएगा, थ्री की पावर वन, यानी कि कितना आ जाएगा ये थ्री, और ये थ्री हो जाएगा और थ्री से थ्री का इंटू हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये नाइन, प्लस इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन, अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट थ्री की पावर वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू ऐसे करोगे तो हाफ पावर और हाफ पावर ऐड करेंगे तो पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा थ्री प्लस। अब देखिए इसको खोलिए आप, थ्री माइनस अंडर रूट थ्री माइनस थ्री, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस के अंडर रूट थ्री आएगा अपॉन। अब देखिए यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, यानी कि ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये तीन का स्क्वायर है और नौ का स्क्वायर हो रहा है, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थ्री का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए नाइन प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस, अब ये यहाँ से थ्री कट गया, ये माइनस माइनस के अंडर रूट थ्री माइनस के अंडर रूट थ्री, अब की बार ये ऐड हो रहे हैं, इंटू नहीं हो रहा है, ये एक है ये एक है, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल है माइनस का हो जाएगा माइनस के टू रूट थ्री, क्योंकि माइनस माइनस में जब इंटू होता है प्लस का तो माइनस का सिंबल आता है अपॉन, ये हो जाएगा नाइन माइनस और अंडर रूट थ्री पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यानी कि अंडर रूट थ्री की पावर कितनी होती है एक बटे दो, इस पर पावर लगी हुई है दो, दो से दो कट गई यानी कितना रहेगा खाली थ्री रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें से इसको लेस करेंगे तो थ्री आएगा, तो आप एक बार और लिख लीजिए अपॉन थ्री माइनस टू रूट थ्री अपॉन कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स से इसको काट दिए कितना आएगा थ्री, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ लिख लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा थ्री, ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी अगर नीचे दोनों अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी वन ऑफ प्लस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट जाएगा क्या हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक पीओ 2006 का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया था, अगर बोर्ड मास सबसे बोर्ड मास बी बोर्ड मास का मतलब होता है अगर सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए तो ये कंडीशन ब्रैकेट्स वाली है, तो ब्रैकेट्स वाली को हम अलग सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, तो देखिए थ्री बाई टू इंटू इलेवन बाई फाइव, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहे हैं इस कंडीशन को अंदर, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव, और इसको इससे काटेंगे तो फोर, ठीक है, ऊपर फाइव है नीचे फोर है, अगर मान के चलिए डिवाइड का सिंबल है इसमें डिवाइड लगेगा तो चिन्ह पलट लीजिए इंटू कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगी संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी नीचे चार है तो ऊपर हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगी, यानी कि मैंने इसमें इसका डिवाइड दे दिया इस संख्या का, इसमें मैंने डिवाइड दे दिया, इसका मतलब ये है ऐसे ये डिवाइड हो रहा है, इसका डिवाइड इसमें लग रहा है, तो आप क्या कहिए इसका इसमें डिवाइड करोगे तो इंटू का सिंबल कर लीजिए, संख्या को उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा संख्या बन जाएगी इस तरीके से, इसका इसमें डिवाइड लग गया, आप काट पीट कर लीजिए, इसमें पांच से काटिए तीन बार
11 से काटिए तीन बार, तीन से तीन काट दिए और दो से दो कट गया, दो दूनी चार, कितना रहेगा आपके पास 6/5। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1/1/6 ये हो जाएगा इसका, सॉरी 5/1/5 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांच क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इसमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, तो क्रमागत संख्या पूछा है यानी क्रम से आने वाली, तो उन पांचों संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 270 दे रखा है। आप ऐसे लिख लीजिए पांच क्रमागत संख्या क्या होती है, मान के चलिए x+x+1+x+2+x+3+x+4, यानी कि पहली हो गई ये, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये कह रहा है कि पांच क्रमागत संख्याओं को जोड़ लेगा, यानी कि योग कह रहा है, मैंने सबको प्लस कर दिया, बराबर कितना है 270 है, यानी पांच क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर 270 प्राप्त होता है। तो उसमें कह रहा है कि दूसरी और पांचवी का योग क्या होगा, दूसरी और पांचवी का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कितने एक्सेस में, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5x है, तो 5x हो गए जोड़ के। कितनी संख्या है, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 इक्वल कितना हो गया 270। ये प्लस में है, बराबर की दूसरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा माइनस में जाएगी, 5x इक्वल कितना हो गया 260। आप इसको इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 25 और 5×2 10, यानी कि 52 आ जाएगा डिवाइड इसका। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, यदि x+1 और दूसरी और पांचवी कौन सी है, x+4। ये कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 52+1+52+4, इनको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। कितनी हो गई 53 और 56, जोड़ लीजिए कितना हो गया 9 और 10, यानी कि 109। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 109। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।